ये एक्सप्रेसो है आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा शो, इसलिए कि आप हमें बताते हैं कि आपको बड़ा पसंद है, तो इसलिए हमें लगता है कि हमें कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एक्सप्रेसो शो। और पसंद करने की बहुत सारी वजूहत है, उसमें से एक जो सेगमेंट है हमारा फैशन एंड लाइफस्टाइल का है, और आज हमारी साथी एंकर अंबर लियाकत हमें बता रही है ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के हवाले से। ओवर टू यू अंबर। थैंक यू सो मच अर्मिला एंड इमरान। आज जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं आउटडोर नेचर से बहुत करीब खड़ी हुई हूँ, उसकी वजह यह है कि ब्यूटी और फैशन के साथ साथ ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल एंड वेलनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना नेचर से करीब रहेंगे, नेचर उतना ही आपको फ्लरिश करेगी और नर्चर करेगी। एक बर्ड होती है ऑस्ट्रिच, शायद आप सारे लोग उससे फेमिलियर होंगे, और ऑस्ट्रिच के अंदर से जो उसकी इंग्रीडियंट्स हैं वो निकाल के एक पूरी स्किन केयर लाइन एंड होलिस्टिक लाइफस्टाइल का उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है और एक कंपनी बनाई है। सो द ब्रांड सीईओ, हिज नेम इज अहमद काजी। सो लेट्स गो एंड टॉक टू अहमद काजी। आप बताएं कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, सबसे पहले आप वो मुझे बताएं। द नेम ऑफ द ब्रांड इज ऑस्ट्रूस एंड इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रिच से जितने भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उनके बेनिफिट्स एंड वो सारी चीजें, वी आर ट्राइंग टू गेट दैट आउट देयर, वी आर ट्राइंग टू गेट दैट टू द पीपल। तो मुझे ये बताएं कि सारी बर्ड्स और सारे एनिमल्स छोड़ के आपने ऑस्ट्रिच को क्यों चूज किया, ऑस्ट्रिच में क्या आपको ऐसी खासियत नजर आई? दिस इज वन क्वेश्चन दैट आई हैव कम अक्रॉस वेरी फ्रीक्वेंटली। इसकी वजह ये ऑस्ट्रिच जो बर्ड है उसका मीट भी यूज होता है, उसका ऑयल, उसके जो फैट्स ऑयल निकलता है वो भी यूज होता है, इसका लेदर है, इट्स द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लेदर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रोकोडाइल, ठीक है। इसके फेदर्स जो हैं उसका इंडस्ट्रियल यूज भी है और होम यूज भी है। इसकी जो वेन्स हैं वो बाईपास सर्जरीज में यूज होती हैं। इसका जो रेटिना है वो ह्यूमन आई पे ट्रांसप्लांट हो सकता है। एंड इसकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मतलब हमारे फायदे के लिए नहीं। इतना कीमती जानवर ऑस्ट्रिच, ये तो हमें पता ही नहीं था कि इसके इतने ये इसके मल्टी वो है बेनिफिट्स हैं। और आई थिंक ऑस्ट्रिच एग्स आर आल्सो वेरी पॉपुलर। अभी आई वांट टू टेक यू टू सी द प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड आई वांट टू शो यू व्हाट दे डू, हाउ दे वर्क एंड वो सारी चीजें। लेट्स गो एंड सी द प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे ये बहुत एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लग रही हैं जो ऑस्ट्रिच के फेदर से और उसके डिफरेंट ऑयल से जो हमारे स्किन केयर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो लेट्स गो विद अहमद एंड सी हिज यूनिक प्रोडक्ट्स। प्लीज टेल मी कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ओके, सो वी हैव द स्टार प्रोडक्ट इज द एनहांस्ड ऑस्ट्रिच ऑयल, अच्छा, जो कि पेन रिलीफ के लिए है, ये वाला। यस, दिस वन। अच्छा, ओके। सो दिस इज फॉर आर्थराइटिस, joint pains, muscle pains, stiffness, sore muscles, cramps, varicose veins, bursitis, tendonitis. yani ki ye ek oil jo hai ye in sari cheezon ko cover karta hai. amazing. frozen shoulder ke liye bhi effective hai. I want you to check this out and see how does it smell. ये तो कोई मुझे लग रहा है जैसे फ्लोरल या बहुत कोई उस तरह पॉपरी जैसे या कोई ड्राइड फ्लावर्स की उस तरह खुशबू है। बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि ये किसी कोई एनिमल फैट में से निकला हुआ है। तो इसमें ऑस्ट्रिच ऑयल के साथ साथ तीन चार चीजें और भी यूज हुई हैं, अच्छा, जो कि आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट आती है, अच्छा। इसके अलावा ये आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसे फाइट करता है। अच्छा, तो ये वाला जो ऑयल है ये सिर्फ आप सरफेस के ऊपर लगा सकते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए। ओके, नेक्स्ट I'm going to try the cleansing gel on you. Okay. So this is basically going to take off all of the dust, dead skin and impurities. Achha. So if you don't mind. No. Yeah. So if you notice, this is an absolutely clear liquid. Haan, which doesn't have any beads or anything. Haan. But is ke upar ye hai ki if you keep scrubbing this, so you notice that all of the dust, dead skin and impurities. Achha. Can you feel some granules forming now? पहले जब आपने लगाया था तो वो बिल्कुल एक लिक्विड सा था, लेकिन अब ये थोड़ा बहुत इसके अंदर जैसे स्क्रब होता है, ये स्क्रब की तरह ये बन जाता है। So if you're gonna, if you wipe this off, now check out the difference in the difference. अगर आपको दोनों मेरे हाथों में फर्क नजर आ रहा हो, ये इतनी ये सॉफ्ट हो गई है क्योंकि जितनी डेड स्किन थी वो मेरे स्किन के ऊपर से वो उतर गई हुई है और बहुत ही सॉफ्ट और सपल सी स्किन हो गई है। दिस इज रियली नाइस। इवन जो इसके बाद जो आपने लगाना होता है मॉइस्चराइजर, व्हिच इज द कॉस्मेटिक वंडर ऑयल। अच्छा, तो इफ यू कैन शो मी योर पाम, तो आई एम गोइंग टू गिव यू वन ड्रॉप एंड यू हैव टू रब इट अराउंड बोथ योर हैंड्स। अच्छा, ठीक है। सो आप ये देखिएगा कि दिस इज वन ड्रॉप,
एंड जस्ट रब दिस ऑन बोथ योर हैंड्स दोनों साइड्स पे पीछे भी. हाउ डज योर स्किन फील? वेरी सॉफ्ट. और इसकी जो खुशबू है अगर वो मेरे व्यूअर्स जो है वो सूंघ सके, इट इज अमेजिंग. इतनी लग रही है जैसे कोई परफ्यूम या वो है. और इतना सिर्फ एक ड्रॉप मैंने लिया है लेकिन मेरे दोनों हाथ जो है वो आई थिंक इसने कवर कर लिए हैं. इतना ये सपल सॉफ्ट और इतना मॉइस्चराइजिंग है. वरना नॉर्मली ये होता है कि आपको अगर हैंड क्रीम भी लेनी पड़े तो वो काफी सारी आप लेते हैं और आप उसको वो करते हैं. अच्छा, एंड व्हाट एल्स? लास्ट थिंग दैट आई एम गोना शो यू इज अ हेयर ऑयल. ओके, नाउ दिस इज ऑस्ट्रिच ऑयल कंबाइंड विद मोरिंगा ऑयल, कोनार्गन ऑयल, होबा ऑयल एंड एलोवेरा. द रीजन व्हाई ऑस्ट्रिच ऑयल साथ में इंक्लूड करना जरूरी था इज ऑस्ट्रिच ऑयल अब्सॉर्ब, आपने अभी खुद कहा कि बहुत जल्दी हो जाता है. बिल्कुल, जो चीज अब्सॉर्ब होगी वही चीज फायदा दिखाएगी. बिल्कुल, अगर वो सिर्फ सरफेस के ऊपर रहेगा तो वो जब तक है वो सिर्फ तब तक फायदा होगा. पेनिट्रेट करना बेशक स्कैल्प के अंदर या बॉडी या स्किन के अंदर इम्पोर्टेंट होता है. एब्सोल्युटली. ओके, सो दिस फाइट्स डैंड्रफ, फाइट्स हेयर फॉल. अच्छा, आपके जो बालों के रूट्स हैं उसको स्ट्रेंथन करता है, टिप्स को स्ट्रेंथन करता है, एंड आपके जो हेयर ब्रेकेज है, जो ब्रिटल हेयर हो जाते हैं उसको भी फाइट करता है. एंड इवन इफ यू यूज इट परपेचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये ग्रे हेयर भी कम करता है. अच्छा, और हेयर फॉल भी आपने कहा कि ये कम करता है. ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल, होलिस्टिक लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप नेचर से करीब रहेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल, उतना ही आपके लिए हेल्दी होगा. सो टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़.